हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल केक एग्जाम पे। मैं प्रतिदिन की तरह केक एग्जाम की तरफ से लेके आ गया हूं आज की ताजा तरीन करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेक्शन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने थ्री टेक्निक सहायता और अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी आईएनसीओ आईएस एजेंसी, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईएनसीओ आईएस एजेंसी। अच्छा, आईएनसीओ आईएस एजेंसी की फुल फॉर्म क्या है तो आपको हम बता दें, आईएनसीओ आईएस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। अच्छा, स्थित कहाँ है तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका पर्पज क्या है तो इसका पर्पज है चरम मौसम और समुद्री घटनाओं के दौरान मछुआरों, अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों और तटीय आबादी को होने वाले नुकसान को कम करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेनरी मुबारक का निधन हुआ है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हेनरी मुबारक का निधन हुआ है। ये 91 वर्ष के थे। बात मिस्र की है तो आपको बता दें, मिस्र की कैपिटल काहिरा है और मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्देल फलेह अल सीसी हैं और यहाँ के पीएम मुस्तफा मदौली हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वासी जगन्ना ने किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन की संख्या में कमी की सूचना दी? ऑप्शन ए नलसौड़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी तनसा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य, ऑप्शन डी रणथंभौर अभ्यारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गहिर माथा समुद्री अभ्यारण। ओडिशा के गहिर माथा समुद्री अभ्यारण में डॉल्फिन की संख्या लगभग एक वर्ष में घटकर आधी रह गई है। बात उड़ीसा की है तो आपको हम बता दें, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन को किस देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी युगांडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया सुएला ब्रेवरमैन को। अगर आपने हमारी कल की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नालको में कृष्ण और कन्वेयर सिस्टम का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी वी के सिंह, ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। केंद्रीय कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने 25 फरवरी को उड़ीसा के दामजोड़ी में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको माइनिंग रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्रेशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला रखी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा 5 मार्च को जी सेट फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जैक्सा, ऑप्शन डी सी एन एस ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो के द्वारा जी सेट फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा। बात इसरो की है तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो 5 मार्च 2020 को श्री हेडक्वार्टर से एक नए भू इमेजिंग उपग्रह जी सेट फर्स्ट को लॉन्च करेगा। यह 2020 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह होगा। जी सेट फर्स्ट इसका वजन कितना होगा तो इसका वजन 2275 किलोग्राम होगा। इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा में रखा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑल इंडिया ट्राइबल वर्कर्स मीट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी कलराज मिश्रा, ऑप्शन सी कमलनाथ, ऑप्शन डी लालजी टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने
25 फरवरी को दिल्ली में ऑल इंडिया ट्राइबल वर्कर्स मीट का उद्घाटन किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जावेद अशरफ को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। बात फ्रांस की है तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस और फ्रांस की करेंसी यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन और फ्रांस के पीएम हैं एडवर्ड फिलिप। इसकी घोषणा भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा की गई। जावेद अशरफ 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित टेंडर्स टिड्डी नियंत्रण पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय रूपाला। इस बैठक में राजस्थान और गुजरात में टिड्डी के हमले से होने वाले नुकसान और NDRF के तहत समर्थन की स्थिति पर चर्चा की गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यायाम इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए खीरी, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद। व्यायाम इंद्रधनुष का पांचवा संस्करण संयुक्त रूप से वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एयरबेस में शुरू किया गया। इस अभ्यारण्य में साझा रणनीति मंच प्रदान करता है जो अपने प्रतिष्ठानों पर आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों को संयुक्त रूप से मान्य करता है। क्वेश्चनों से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।